हमारे यहां क्या हो रहा है, मामलात की सफाई नहीं हो रही है। सबसे लंबी आयत, भाई लिख लो, कर्जा कब वापस कीजिएगा? अच्छा, अरे कर्जा कब वापस कीजिएगा, लिखिए ना। यही आयत कहती है लिख लो। कब दीजिएगा कर्जा? 6 महीने में दे दूंगा। अरे कब दीजिएगा? 1 साल में दे दूंगा। पीछे मत हटिएगा, पीछे मत हटिएगा, ठीक है भाई दे देंगे। अच्छा, दोस्तों में लिखना, अरे दोस्ती कब काम आएगी? आज मैं पैसा ले लिया तो बोले लिख लो, कितना बुरा लगता। अरे नहीं नहीं नहीं, किसी और के सामने नहीं बोलने का, मैंने कर्जा लिया, भूलने का नहीं, ये मेरा और तेरा मामला है। कुरान करीम की आयत कहती है लिख लो और गवाह भी रखो, क्यों आगे मसला हो सकता और मसाइल पैदा हुए। कौन सा पैसा? अरे भाई साहब मेरा पैसा कब लौटा? अरे कौन सा पैसा, किस पैसे की बात कर रहे हैं आप? कब आपने दिया था? अभी मैं, हाँ कल ही, कल ही, कितना, 4 अगस्त 2018, कल ही एक दुकान पे था। दुकानदार ने कहा मौली साहब मुझे रमजान में अच्छा चूना लग गया। अरे भाई चूना तो एक ही आदमी लगाता है, वो है पान वाला, बोल के चूना लगाता कि चूना ज्यादा खाइएगा या कम खाइएगा। पूरी दुनिया में एक ही इंसाफ वाला है, वो है पान वाला, बोल के चूना लगाता बेचारा। अच्छा ज्यादा लगाऊं या कम लगाऊं? नहीं जरा मैं कड़क खाता हूं, ज्यादा लगा दीजिए। ये दूसरे लोग बगैर बोले हुए कैसे लगा रहे? बोले रमजान के महीने में हम सीधेपन में फंस गए, 70-80 लाख रुपया फंस गया। लोग क्या बोलते? वो मैंने तो नहीं मंगाया था। मैंने कहां मंगाया, मैंने कब ऑर्डर किया आपकी दुकान पे? अरे भाई पूरा आपके घर पे। मैंने कहा मैं दूंगा, ये हराम नहीं है। लोग क्या बोलते? ये हराम नहीं, अरे ये हराम नहीं है, मामलात की सफाई, ये हराम, दूसरे की दुकान का आप खा लीजिएगा, बोले हराम नहीं है। वाह भाई वाह, चल है ना, ये सब चलता चलता है। दोस्त का माल भी बगैर उसकी इजाजत के, या बेटे का माल, वैसे बेटा और बेटे का माल तो है ही, लेकिन अब्बा का माल, किसी का भी माल पूछ के लेने का, दोस्त का माल भी पूछ के लेने का, इतना खर्च करूं, ये है वो है, सब क्लियर रखिए। ऐसा ऐसा चल रहा है। इसलिए मेरे भाई हो, कर्जे के मसले में हमें और आपको सतर्क रहना। बड़ा चल रहा मसला, बहुत झगड़े चल रहे हैं, दूरी हो गई, कितने सालों से दोस्त चल रहे थे, बस मामलात में सफाई नहीं हुई, दोस्ती टूट गई, आज दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, बड़े मसाइल। इसलिए मामलात को लिख लीजिए। थोड़ी सी तकलीफ होती है ये बात सुनने में, अरे बोलने लिख लेने का तकलीफ है, लेकिन ये अच्छा रहेगा, परेशानी नहीं बढ़ेगी। इसलिए मामलात की सफाई।